तुर्की और सीरिया में आई सदी की सबसे बड़ी आपदा में भारत मदद के लिए आगे आने वाला पहला देश है और अब तक भारत से 7 एयरक्राफ्ट के जरिए तुर्की और सीरिया को रसद और दवाएं भेजे जा चुके हैं। आज तड़के एयरफोर्स के एक C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट ने राहत सामग्री के साथ सीरिया और तुर्की में लैंडिंग की है। इस खेप में 35 टन राहत सामग्री है, जिसमें से 23 टन रसद पहले ही सीरिया में उतारा जा चुका है। उसके बाद जो 12 टन रसद और जरूरत का सामान था वो तुर्की में उतारा गया। राहत सामग्री में भूकंप प्रभावित लोगों के लिए स्लीपिंग मैट्स, जेनसेट, सोलर लैम्प, तिरपाल, कंबल, दवाएं शामिल हैं। साथ ही आर्मी फील्ड हॉस्पिटल और NDRF टीम की आपूर्ति का सामान भी तुर्की पहुंचाया जा चुका है। तो लगातार जो भारत की सेना है वो इस वक्त तुर्की में मौजूद है और वहां रेस्क्यू में जुटी हुई है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर भी तुर्की में ही मौजूद हैं और वहां से हर हालात का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और उनका रुख करते हैं। मनीष, लगातार भारत की तरफ से मदद की जो की जा रही है, खेप जा रही है, उसी कड़ी में एक और विमान पहुंचा है जो राहत का तमाम सामान उन लोगों को देगा जो तुर्की और सीरिया में प्रभावित हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको अंदर दिखा रहे हैं कि इस समय ऑपरेशन दोस्त के तहत पूरा सामान है जो कि भारत ने भेजा है और इस सामान को अब एक एक करके जो तुर्की के लोग हैं वो लेकर जा रहे हैं और इसके साथ साथ इसमें वेंटिलेटर्स हैं, व्हील चेयर है, सोलर लाइट्स है, ये सभी वो सामान है, मेडिकल इक्विपमेंट है जो यहाँ के लोगों के लिए है। तिरंगा है लगा हुआ, एनेस्थीसिया मशीन्स हैं, उसके अलावा ये सारा सामान इस समय भारत से भेजा है ताकि तुर्की के लोगों की मदद हो सके। दो मास्क के अंदर ये सामान आया है, उसके अलावा NDRF और जो 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल है भारतीय सेना का, उनके लिए सामान यहाँ पे है। इसमें सामान की डीलोडिंग का काम शुरू हो गया है और हम आपको ये भी बता दें उसके अलावा यहाँ के लोगों को भी टेम्परेचर काफी ज्यादा खराब है, सब 0 डिग्री टेम्परेचर है, इसीलिए यहाँ पे जो ब्लैंकेट है उन सबको यहाँ पर रखा गया है। हम आपको एक्सक्लूसिवली इस समय C-17 को मास्टर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर भारत से आया हुआ सारा सामान इस समय डीलोड किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट है, उसके अलावा जो व्हील चेयर, सोलर लाइट, टेंट, एक्सटेंडेड टेंट, उसके अलावा बाकी सारा सामान है जो इस समय तुर्की के लोगों को आवश्यकता है। कुल मिला के 35 टन सामान जो रिलीज किया गया भारत की तरफ से, 23 टन सामान को सीरिया में उतारा गया, उस सामान में भी काफी सारा मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट वो सब मौजूद था और फिर उसके बाद अब इस सामान को C-17 मास्टर के जरिए तुर्की के अडाना एयरबेस पर उतारा जा रहा है जहाँ पर सारा सामान अब सीधा यहाँ पे राहत शिविर में जाएगा, उसके अलावा हॉस्पिटल में जाएगा, उन तमाम लोगों को दिया जाएगा जो कि इससे ग्रसित हैं, उनके राहत के लिए है। इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको इस समय अडाना एयरबेस से दिखा रहा है भारत के द्वारा भेजा गया ऑपरेशन दोस्त के तहत ये वो सामान है जिसके जरिए तुर्की के लोगों की मदद होगी और इसके जरिए तुर्की। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के साथ जो दोस्ती का हाथ भारत ने बढ़ाया है उसके तहत यहाँ के लोगों को लाभ होगा ताकि इस त्रासदी के वक्त में जो यहाँ के लोग हैं जो पीड़ा से झेल रहे हैं उसमें उनको राहत मिल सके। हम आपको ये भी बता दें कि NDRF की तीन टीमें इस समय अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन कर रही है, तो उनको दिक्कत हो रही थी इक्विपमेंट की, मेडिकल इक्विपमेंट, उसके अलावा जो उनके व्यूअर्स और जो सेंसर से उन सबको ग्लोबमास्टर के जरिए लाया गया है। ये सातवीं बार है जब ग्लोबमास्टर तुर्की में उतरा है, इससे पहले C-130J के जरिए भी जो सामान भेजा गया और इसमें आप देख सकते हैं ये जो सारा सामान है उसे डीलोड किया जा रहा है। तुर्की में करीबन 25,000 से ज्यादा जो जी। मनीष बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो मनीष C-17 ग्लोब मास्टर विमान में है और इसी विमान के जरिए सामान भारत से तुर्की और सीरिया भेजा गया है। किस तरह से सामान की अनलोडिंग हो रही है, क्या क्या सामान राहत के तौर पर भेजा गया है, वो आपने एक्सक्लूसिवली मनीष से जाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।